आज हम बात करेंगे दोस्तों इंडिया वीक्स की। इंडिया वीक्स क्या प्रभाव निफ्टी बैंक निफ्टी 50 या निफ्टी के किसी भी इंडेक्स पे क्या प्रभाव डालता है, और ये जो मैं बोल रहा हूँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सोर्सेज के द्वारा। इंडिया वीक्स पहले तो जान लीजिए कि क्या है। क्या इंडिया वीक्स इज ए वॉलेटिलिटी इंडेक्स बेस्ड ऑन निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन प्राइसेस फ्रॉम द बेस्ट बीड आस्क प्राइजेस ऑफ निफ्टी ऑप्शन कंट्रैक्ट ए वॉलेटिलिटी फिगर्स परसेंटेज इज कैलकुलेटेड विच द इंडिकेट्स द एक्सपेक्टेड मार्केट वॉलेटिलिटी ओवर द नेक्स्ट 30 कैलेंडर डेज। वीक्स इज ए ट्रेडमार्क ऑफ शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज इनकॉर्पोरेटेड CBOE एंड स्टैंडर्ड इज द पुअर हैज द ग्रांटेड लाइसेंस टू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज विद परमिशन फ्रॉम CBOE टू यूज सच मार्क इन द नेम ऑफ द इंडिया वीक्स एंड परपोज रिलेटिंग टू द इंडिया वीक्स। ये जो आपको मैं जो भी बताया ये नेशनल स्टॉक के सोर्स हैं। और अब बताते हैं कि निफ्टी का कंपेयर निफ्टी 50 परफॉर्मेंस क्या है, निफ्टी बैंक का क्या है, और विक्स आपको क्या करने वाला है टुमारो। चलिए दोस्तों मैं बता ही दूँ आपको। इंडिया वीक्स जो है आपका क्लोज हुआ था 18.91 माइनस 0.35। अब ये सोमवार को क्या होने वाला है वो भी जान लीजिए। बेस इसका है 18.77 और अगर मार्केट नीचे जाता है तो समझ लीजिए कि इंडिया वीक्स कहाँ तक इसका सपोर्ट रहेगा। 18.15 पहला सपोर्ट है और दूसरा सपोर्ट इसका 17.88, तीसरा सपोर्ट है 16.76 और चौथा सपोर्ट है इसका 16.26। अगर ये ऊपर की तरफ जाता मार्केट तो 19.54 इसका पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस 20.16 और तीसरा 20.93 और चौथा रेजिस्टेंस है दोस्तों 21.23। अब आपको पहली बार आए हैं तो हमारा एक वीडियो है दोस्तों, उसको ज़रूर आप देखिए कि इंडिया वीक्स का कैलकुलेशन निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक या निफ्टी के किसी भी इंडेक्स के साथ कैसे आप जानेंगे कि मार्केट एक दिन में क्या होगा, बढ़ेगा कितना या घटेगा कितना। एक सप्ताह में मार्केट का किसी भी निफ्टी इंडेक्स का बढ़ेगा कितना कितना घटेगा एक सप्ताह में, एक महीने में ही निफ्टी के जितने भी इंडेक्स हैं अलग अलग कैलकुलेशन करना चाहेंगे। जैसे कि निफ्टी आईटी हो, अब निफ्टी आईटी का एक महीने में कितना ये निफ्टी आईटी बढ़ सकता है या निफ्टी आईटी कितना घट सकता है एक महीने में। एक साल में निफ्टी आईटी किसी कोई भी इंडेक्स ले लीजिए, तो यह वीडियो ज़रूर आप देख लीजिए, उसमें आधे घंटा का वीडियो है, आपको बहुत सीखने को मिलेगा और सीखने को कितना मिलेगा कि आप किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सर निफ्टी 50 ऊपर जाएगा आज कि नीचे जाएगा, कितना नीचे जाएगा निफ्टी बैंक निफ्टी 50 या कितना ऊपर जाएगा। दोनों कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला है। इंडिया वीक्स सबसे पहले कि अगर एक साल में आप करना चाहे एक साल में कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, तो आप जैसे कि आज का इंडिया वीक्स है 18.91 और निफ्टी 50 इंडेक्स लेते हैं तो 17,397 तो 17,397 मतलब कि 18.91% ऊपर भी जा सकता है या 18.91 भी नीचे भी जा सकता है। इसका मतलब कि 18,000 अगर कैलकुलेशन करेंगे 18
0.91% कितना आता है 17,397 का, तो टोटल आएगा 17,999। 17,999 भी जा सकता है। एक महीने में या 16,690 भी जा सकता है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इंडिया वीक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट डेज 365 एक दिन का निकलेगा। इंडिया वीक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 52 एक सप्ताह का निकलेगा। इंडिया वीक्स डिवाइडेड बाई 12 तो आपको एक महीने का निकलेगा। तो इस तरह आप कैलकुलेशन देखने के लिए कैसे जानेंगे कि ऊपर जाएगा मार्केट किस इंडेक्स का या नीचे जाएगा, कितना जाएगा ऊपर या कितना नीचे जा सकता है, आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सोमवार को इंडिया वीक्स की जो लेवल है वो बता दें आपको, ऊपर की तरफ 19.54 पहला है, दूसरा 20.16, तीसरा है 20.93 और चौथा 21.26। नीचे की तरफ अगर जाता है तो इसका सपोर्ट, पहला सपोर्ट है 18.15, दूसरा सपोर्ट है 17.38 और तीसरा सपोर्ट है 16.76। तो चलिए दोस्तों, ये हम आपको इंडिया वीक सिखाने की इसलिए कोशिश करते हैं कि आप एक मिनट में जान जाए कि आज का निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक या निफ्टी एफएमसीजी या निफ्टी फार्मा या निफ्टी एनर्जी या निफ्टी मेटल या निफ्टी आईटी या निफ्टी का कोई भी इंडेक्स हो, निफ्टी 150 हो, निफ्टी मिड कैप 100 हो, निफ्टी स्मॉल कैप 50 हो, निफ्टी लार्ज कैप हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो, निफ्टी 500 हो, निफ्टी 150 हो, निफ्टी 200 हो, सभी की आप कैलकुलेशन कर सकें कि आज कितना जा सकता है, एक सप्ताह में कितना जाएगा, एक महीना में कितना जाएगा नीचे ऊपर या ऊपर, एक साल में कितना ऊपर नीचे जाएगा। कैलकुलेशन करके आप अच्छा आप ट्रेडर बन सकते हैं। तो इंडिया वीक्स आपको अगर निकालना कैलकुलेशन आ गया तो समझ लीजिए आप पहला सीढ़ी चढ़े हैं और स्टॉक मार्केट में आप बने रहेंगे ज़्यादा दिन तक। तो इंडिया वीक्स की बात हो गई। सोमवार को निफ्टी एनर्जी का कौन सा स्टॉक आपको अपने रडार पर रखना है, चलिए हम इस वीडियो में बता दें आपको। हमारे सॉफ्टवेयर रेडी है, आप भी रेडी हैं तो आप लिख लीजिए डायरी में, लिख लीजिए दोस्तों। पहला नंबर लिख लीजिए BPCL, दूसरा लिख लीजिए HPCL, JSW एनर्जी, टॉरेंट पावर, थर्मैक्स, पेट्रोनेट LNG, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX और कर्मा एनर्जी, रिलायंस पावर स्विट्जरलैंड एनर्जी, टोरेंट पावर, अडानी ट्रांसमिशन एंड अडानी पावर, टाटा पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी NTPC और गेल इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑयल एंड नेचुरल गैस, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड PGC पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। टॉप में हम रखे हैं टाटा पावर। और ये टाटा पावर क्यों, कि आपको जो हम बताने वाले हैं टॉप में टाटा पावर इसलिए रखे हैं, उसके भी कारण मैं बता दूं।
क्यों रखे हैं? दीप इंडस्ट्री लिमिटेड, अपोलो हॉस्पिटल भी शामिल कर लेंगे और निफ्टी एनर्जी का इंडेक्स भी देख लें एक बार कितना है और कितना इंडेक्स जा सकता है। फ्राइडे को 385 पॉइंट नीचे बंद हुआ था और इसकी टेक्निकल आपको मैं बता दूं कि मंडे को क्या होना है। 26,531 का इसका बेस बना हुआ है निफ्टी एनर्जी का दोस्तों, और ये देखना बहुत ज़रूरी है। और सोमवार से ये कहानी शुरू होने वाला है, जो डर गया स्टॉक मार्केट में उसको भगा दिया जाएगा नुकसान करके। डरना नहीं, बेस है 531, 26,531। अगर ये निफ्टी 50 के जितने भी एनर्जी से रिलेटिव स्टॉक हैं अगर ये साथ दिए तो 26,790 का पहला रेजिस्टेंस, दूसरा 27,161, तीसरा 27,419 और चौथा है आपको 27,660। सपोर्ट इसका निफ्टी एनर्जी का बनता है दोस्तों 26,160, 26,330, 25,330 और तीसरा सपोर्ट है 25,901 और चौथा सपोर्ट है 25,530। कौन सा स्टॉक निफ्टी एनर्जी के आपको मालामाल कर सकता है तो आप जान लीजिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हमारे पहला रडार पे है, टाटा पावर है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है, और NTPC, SPCL। और कौन कौन सा स्टॉक है वो भी हम आपको बता दें और जान लीजिए जल्दी से, इसलिए कि हमारे पास भी अब वक्त नहीं है, बस 30 से 35 सेकेंड आपका समय लेंगे। और आपको मैं बता दूँ जल्दी से कि कौन सा रडार पे सोमवार को रखना है एनर्जी से रिलेटिव। तो सबसे पहला नंबर लिख लीजिए दोस्तों, लिख लीजिए बार बार, तीन बार कह चुके, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, टाटा पावर, NTPC, BPCL, SPCL, ONGC, गेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके अलावा आपको इंद्रप्रस्थ गैस, गुजरात गैस, अडानी टोटल गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल के जितने भी कंपनी हैं उनको आप रडार पे रखें। मिनरल्स और माइनिंग से रिलेटिव वेदांता का स्टॉक और NMDC इज द बेस्ट स्टॉक फॉर मंडे, आप रडार पे रख लीजिए। और बजाज फाइनेंस IT सेक्टर में जबरदस्त गिरावट हो सकती है और गिरावट में सेल करके भी कमाई किया जा सकता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इंडिया वीक्स के साथ, सोमवार को इंडिया वीक्स के साथ जबरदस्त कमाई का मौका छोड़ना नहीं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए लाल वाला दोस्तों, और अपने दोस्तों को ये चैनल जरूर शेयर कीजिए। 1 लाख का परिवार बहुत जल्द होने वाला है। आप सभी को बहुत हृदय से धन्यवाद दोस्तों।